गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने लगी है। हद से ज्यादा लोग बोल रहे थे इस वीडियो पर रिएक्ट किया जाए, तो टेक्नोफेरिया की वीडियो है। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजम सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो आप वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है यार भारत का एक मिसाइल है, जो मतलब जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि भारत का ये मिसाइल चीन को मतलब एक सिर्फ एक घंटे के अंदर पस्त कर देगा, मतलब झुका देगा, एक किस्म का वो कहते हैं युद्ध की सिचुएशन ही तब्दील कर देगा, वो भी सिर्फ एक घंटे में। तो अब ये रैम्पेज मिसाइल है, इसका वाकई पिछले दिनों खबर में भी आ रहा था, मतलब सुना हुआ था, तो बिल्कुल देखते खबर में भी आ रहा था, काफी पिछले दिनों चर्चा भी बनी हुई थी। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट ऑन करते हैं, मतलब ये घंटे में रयुद्ध का सिम थी चेंज कर सकता है। काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रैम्पेज मिसाइल, जैसा नाम वैसा काम। अगर इस मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया गया तो यकीन मानिए यह मिसाइल एक घंटे के भीतर युद्ध का आधा नतीजा आपकी ओर मोड़ देगा। जी हाँ, इसी का टेस्ट भारत करने वाला है और यह टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है। और हम इस वीडियो में इस मिसाइल की पूरी जानकारी आपको देंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इस वीडियो में बताएंगे कि युद्ध के समय इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कि यह एक घंटे के भीतर ही युद्ध को आपकी ओर मोड़ सकता है। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानकारियों से भरी हुई है। एक घंटे में युद्ध की सिम की चेंज कर दोस्तों। सबसे पहले हम इस मिसाइल के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि यह मिसाइल इंडिया मेड, भारत में बना या फिर भारत का मिसाइल नहीं है। दरअसल इस मिसाइल का निर्माण इसराइल ने किया है। आप समझ जाइए दोस्तों कि भारत इतने सारे मिसाइल का इस्तेमाल करता है और एक से बढ़कर एक मिसाइलें बनाने में सक्षम है, फिर भी भारत ने इस मिसाइल को खरीदा है। इसका मतलब है कि इस मिसाइल में कुछ न कुछ तो खास बात जरूर है। अगर हम इस मिसाइल की खूबियों की बात करें तो इस मिसाइल की लंबाई 14 फीट की है, इसका वजन करीब 500 किलोग्राम का है, जबकि यह एक एयर लॉन्च लड़ाकू विमान है, यानी इस मिसाइल को फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है और यह जमीन पर हमला करता है। रैम्पेज एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली साधक रहित, यानी अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने वाली हथियार है। इसे उच्च गुणवत्ता, अच्छी तरह से संरक्षित लक्ष्यों जैसे संचार और कमांड सेंटर, वायुसेना के ठिकाने, रखरखाव केंद्रों, बुनियादी ढांचों और बड़े से बड़े बंकरों को नष्ट करने के उद्देश्य से विकसित किया गया। यह फायर एंड फॉरगेट के आधार पर हमला करता है, यानी इस मिसाइल को फायर करने के बाद टारगेट चाहे कहीं भी चली जाए उसका पीछा करके यह मिसाइल उसे नष्ट कर देता है। यह सुपरसोनिक गति से दुश्मन पर, दिन हो या रात या फिर कैसा भी मौसम हो, किसी भी परिस्थिति में दुश्मन पर हमला कर सकता है। हम आपको बता दें कि भारत जिस रैम्पेज का टेस्ट करने वाला है उससे युद्ध में भारत एक स्पेशल काम लेने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको पता ही होगा कि युद्ध के समय दुश्मनों के मिसाइल से बचने के लिए और बमों से बचने के लिए जो देश है वो अपनी सेनाओं के लिए सीमा पर बंकर बनाते हैं, और आज के समय यह बंकर इतने एडवांस और मजबूत होते हैं कि बड़ी से बड़ी मिसाइल भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ऐसे में बंकर के अंदर दुश्मन की सेना और उनके हथियार जैसे गोला बारूद और खाने पीने के सामान सुरक्षित रहती है। आपको बता दें कि भारत जैसे देशों के लिए यह बहुत काम की चीज है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश सीमा पर बंकर बनाकर रहते हैं और इसी चीज को तबाह करने के लिए माहिर है। इस मिसाइल को इस तरह से बनाया गया है कि चाहे कितना भी मजबूत बंकर क्यों न हो, यह मिसाइल उस बंकर को तबाह करके उसमें छिपे सैनिकों और गोले बारूद को तहस नहस कर सकती है। इसके अलावा अगर कहीं पर भारी मात्रा में सेना का जमावड़ा है तो यह मिसाइल उस पूरे जमावड़े का मिनटों में सफाया कर सकती है, दुश्मन के सप्लाई चेन को तोड़ सकती है, और तो और यह मिसाइल दुश्मन के सैन्य बेस पर खड़े लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर युद्ध में इस मिसाइल का इस्तेमाल शुरुआती एक घंटे में कर लिया गया, दुश्मन की सारी सप्लाई तोड़ दी जाए, सैन्य बेस तबाह कर दिए जाएं, दुश्मन के टैंकों के रेजिमेंट पर इस मिसाइल द्वारा हमला कर दिया जाए, उन्हें तोड़ कर रख दिया जाए, तो दुश्मन आधा युद्ध वहीं हार जाएगा। और रैम्पेज मिसाइल को यह करने में महारत हासिल है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि यह दूसरे अन्य मिसाइलों से कहीं ज्यादा सस्ती है। इतना ही नहीं, बाकी जितनी भी मिसाइल है उससे यह कहीं ज्यादा इफेक्टिव और एक्यूरेट है, जिससे भारत को दो बड़े फायदे होंगे। पहला कि अगर हम दुश्मन पर हमला कर रहे हैं बहुत ही घातक मिसाइल से, जैसा कि यह मिसाइल है, तो दुश्मन को तबाह करने में बहुत ही कम मिसाइल लगेगी। इसके अलावा यह मिसाइल बहुत ही सस्ती होने के कारण कम पैसों में ढेर सारी मिसाइलें खरीदी जा सकती हैं और दुश्मन पर दन दना दन इसकी बरसात हम कर सकते हैं।
आज के आई ताजा खबर के मुताबिक भारत जल्द ही इसकी गोवा में टेस्टिंग करने वाला है और इसकी टेस्टिंग के बाद भारत अपने सबसे खास लड़ाकू विमान सुखोई 30M की आई मिराज और MiG-29 में इसको इंटीग्रेट कर देगा, जिससे भारत की बम्बार्डिंग करने की क्षमता बहुत ही बढ़ जाएगी। हालांकि आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी देखी थी। एक वीडियो इस तरह की देखी थी, बिल्कुल उसमें भी बोला गया था, लेकिन इन्होंने काफी तफसील से इस चीज को समझाया। बिल्कुल। और इसमें बताया गया कि मतलब सिर्फ बंकर नहीं है, और भी चीजें काफी दबाव और काफी सारे मतलब उनके बंकर लेकर हर चीज दबा, काफी सारी चीजें मतलब वो तबाह कर सकता है उसको, मतलब बर्बाद में कर सकता है। उस लिहाज से तो यार इसराइल का एक वेपन भी खतरनाक है। यार देखो और एक और बात भी है, ये प्राइस में भी बहुत सस्ती है। हाँ, इसका प्राइस भी, प्राइस भी क्या रहा था कि बहुत सस्ता है। और इंडिया ने पता नहीं कितने हजारों में ली होंगी यार ये। लाजमी बात है 5, 10 या 50, 100 तक से तो कुछ नहीं होता, हजारों में ये ली होगी। सस्ती भी है और इफेक्टिव, मतलब 100% जो है तो इतनी भी सस्ती नहीं होगी, करोड़ों में एक मिसाइल होगी यार। नहीं है पता मतलब लाखों करोड़ों की तो होगी भाई, एक तो यार इतनी भी अब सस्ती नहीं, लाखों की कह सकते हैं, लाखों या करोड़ों की भी हो सकती है, लाखों की एक दो तीन करोड़ की भी हो सकती है, भी सकती है और भी सकती है। हाँ यार, क्योंकि अब मतलब सस्ती मिलिट्री में क्या होती है, जो एक दो तीन करोड़ की होती है, दो तीन करोड़ की, ये 300-300 करोड़ की भी मिसाइलें होती है। बिल्कुल होती है, मतलब मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ रेंज में होती है यार। और यार देखा जाए तो इंडिया अपने आप को हर तरह से मतलब एक तैयार कर रहा है। देखो जंग हो ना हो लेकिन तैयारी मुकम्मल, तैयारी हर तरह की। हाँ। देखो कोई भी देश हो, जो जिसके पास हाँ। पैसा हो, जो जो मतलब हाँ। जो उसको पता भी हो कि क्या हिसाब हाँ। किताब है, तो उसके मुताबिक वो हमेशा अपनी तैयारी रखता जिसके है। जिसके दुश्मन हो हाँ। देश के, जिसका सब वो हमेशा अपनी तैयारी रखता है यार। वो अभी गोवा में इसका टेस्ट भी होगा, मैं कहता हूँ सही से हो ही जाएगा। जाहिर बात है इसराइल की चीज बहुत, और मिराज में भी लग जाएगी, सुखोई में भी लग जाएगी, और भाई उसमें भी लग जाएगी MiG-29 में, Su-30 सुखोई 30 में, ना 30 में। और दूसरी हाँ। बात बताऊं तो मैं ये अभी ले रहा है इसराइल से, हो सकता है कुछ टाइम तक ये इंडिया खुद बनाए उसको, खुद उसके साथ हाँ, मिलकर भी बनाए, ये भी हो सकता भाई, है इसराइल ऐसा दोस्त हाँ। है इंडिया का, वो दे भी देगा, और भी काफी सारी चीजों में वो मदद कर रहा है यार इस मामले में। सो गाइस आप लोग और इंडिया के पास भाई ऑलरेडी इतनी वेरिएंट्स की मिसाइल्स हैं कि बंदा सोचता रह जाए कि इतने वेरिएंट्स, वाकई में सीरियसली। सो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, मतलब आपको ये कैसी लगी मिसाइल, कमेंट सेक्शन में बताओ। इतनी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।